तो उसने दीवारों पर हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र घोषित हो नारा लिखवाया। यह हम सबका सपना है, हिंदू राष्ट्र अपना है। ऐसा लिखवाने पर उसके ऊपर 151 की धारा करके उसको जेल भेज दिया। ये हमारा और आपका दुर्भाग्य। तो बालक आज हमारे पास रोता हुआ आया, बोले गुरुजी हमने आपकी बात सुन करके ये माना तो हमारे पाँव में बेड़ी डाल करके हमें जेल ले गए और दीवार पर लिखा हुआ मिटवा दिया। हम किसी के खिलाफ नहीं है और हम लोगों को आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। किसी धर्म मजहब पंथ के खिलाफ बोलना नहीं है, न लिखना है, न कहना है, लेकिन अपनी बात कहने से चूकना भी नहीं। अपने बाप को बाप कहने से अगर तुम चूक जाओगे तो तुमसे ज्यादा मुर्दा पुत्र इस भारत में, इस दुनिया में कोई नहीं। और हम प्रार्थना करेंगे, अब ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमको मानने वाले जितने भी लोग हैं, हमारी प्रार्थना है कोई भी मजहब के खिलाफ आप नहीं बोलोगे, किसी पंथ के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी संत के खिलाफ आप ना बोलो। आप सिर्फ अपना काम करो, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इनके लिए अपनी मान जायज रखो। और जिस दिन तुम दो तिहाई जाग जाओगे, जिस दिन 125 करोड़, वर्तमान में आपको सुनकर आश्चर्य होगा चीन से भी ज्यादा भारत की जनसंख्या हो गई। जनसंख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर एक का है। और जिस दिन 40 करोड़ हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान की, हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, उसी दिन भारत हमारा जो अभी अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है वो घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमारे इस प्रवचन की आज की बात को नोट कर लेना। हमको बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये सभी वर्णों को मिटाना पड़ेगा। जाति बात की खाई को पूर करके हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे अब बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको गले लगना पड़ेगा और हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बहुत हो गया भारत में ये पिछड़ी जाति, ये बिछड़ी जाति, ये बंद करो। हम सबकी एक ही जाति, एक ही नाम, हमारे प्रभु है श्री राम, और कोई जाति नहीं। हमारे आराध्य राम है और ये हम सबको मानना पड़ेगा। और आज से ही हर हिंदू को अपने नाम के आगे सनातनी लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो बालक के खिलाफ किया है ये बड़ा ही निंदनीय है। हम सरकार तो नहीं है, न हम किसी से अपेक्षा रखते हैं, हम अपने इष्ट हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बालकों को बल मिले और भगवान ऐसे लोगों के खिलाफ कुकृत्य करने वालों को सद्बुद्धि दे। और तुमसे जरूर कहेंगे कि अगर आपके आसपास कोई भी एक हिंदू शेर हो तो तुम हिंदू शेर नहीं बन सकते, तो उसकी मदद जरूर करना। वो बालक चूंकि चला गया होगा, शायद होगा भी यही होगा, बड़ा बेचारा रो रहा था, हमें बड़ा आत्मग्लानी लगी, हमको ये बात बोलनी भी नहीं थी, अभी हम ये बात बोलने में इससे बच भी रहे, लेकिन हमको बहुत आत्मग्लानी हुई जब उसने ये बात बताई कि अपने ही मध्य प्रदेश में ये हाल है। तो फिर हम पूरे राष्ट्र की क्या कल्पना। लेकिन सबको साधुवाद, गीता रामायण वेद पुराण हिंदू हिंदी इनको बचाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र, ये है वो बालक। ये वो बालक है जिसने वहां दीवालों पर हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। हमारी प्रार्थना है इस बालक के साथ जरूर है। और तुम्हें हम ये बालक, ये तुम्हें नसीहत और आज्ञा देकर कहते हैं, तुम्हें किसी के भी खिलाफ नहीं बोलना है, तुम्हें अपना काम भर करना है
और एक लफ्ज भी अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा हम क्या कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देगा। तुम अपना काम करो, तुम अपनी हिंदू राष्ट्र की मांग को रखो जारी, हम सब हिंदू तुम्हारे साथ हैं। और हमारे भारत की प्रतिभा केवल ऐसी नहीं है, ये बालक की तो छोड़ो, एक 1.5 साल का बालक है भोपाल का, जो अपने मुख से एक बार जो सुन लेता है वो कंठस्थ हो जाता है और शास्त्रीय श्लोकों को, रामायण को, हनुमान चालीसा को बड़े भाव से बोलता है। भोपाल का बालक है, शायद आया है ना, इधर आओ, ये बच्चा है छोटा सा, हम आपको मिलवाते हैं 1.5 साल के बालक से, देखना अब भारत कैसे हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा जब माता पिता इतने छोटे बच्चों को 6 साल, क्षमा कीजिए 6 साल का है, 1.5 साल के आई, 6 साल का है, सीधे 5 घटा दें हमने और आगे लगी फिलो में घट गए। अच्छा हम तो कई बातें कहते हैं, किसी ने कहा होगा 6, हमें सुनाई दिया 1.75। ये वो बालक है जो एक बार सुन लेता है इसको कंठस्थ हो जाता है, इसको मंत्र कंठस्थ हैं। कौन कौन से मंत्र कंठस्थ हैं, माइक दो, क्या नाम है सबको बताना है आपको। ये देखो हमारी प्रतिभा और इनके माता पिता के प्रति, हाँ क्या नाम है, अहं गोखले, सुनाओ कोई श्लोक। अन्नपते अन्नस्य नूदीयनमेवस्य शुष्कलः प्रप्रदातारं तादृश पुरुषन्दो देहि त्वपदे चतुष्पदे स्वादो पीतो मथो पीतो अयं द्वारमये अस्माकं हृतो। और कौन सा श्लोक आता है, श्री राम रक्षा स्त्रोत सुनाइए। श्री गणेशाय नमः, अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य उद्कौशिकर्षि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीर्तनम् श्री रामचंद्र प्रत्यर्थे जपे नमः। जटा मंडलम रामचंद्रम इत्युद्धानम चरितम रघुनाथस्य रक्षक कुल विनाशक जाननी
सुकृति पठे सचिवाय सुखी पुत्री विजयी विनय भवे पाताल भूतल व्योम चारण छन्म चारण न दृष्टम शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वास्मरन नरो निलिप्ते पापे मुक्तिम मुक्तिम च विन्दति जगत्रेत्रेकमन्त्रेण रामनामनाभिरक्षितं यक्कण्ठे धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेकं यो रामकवचं स्मरेत् आभयतान्य सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षां भयमावरः तथा लिखित्वा सकलापदा अभिरामस्य लोकानो राम श्रीमांसन प्रभो तरुणो रूपसंपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीरकृष्णाजनाम्बरो वल्मूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्येतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्कृतां रक्षकुलनिहन्तारो त्रायेतान्नो रघुत्तमः आतसज्जिधनुषाविषपुषा वक्षयाशुगणसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण वग्रतपतितदेव गच्छतां सन्नद्धकोटि खड्गे चापबाणोधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणो रामो दाशरथे शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थपूषपूर्ण कौसल्येयो रघुत्तम वेदान्तवेद्यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तम दान्तीवल्लभर्षिणः अप्रमेयपराक्रम इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्विता अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय रामं दुर्वातलश्यामं पद्माक्षं पीतवासनं त्वन्ति नाम भैर्दिव्ये न ते संसारिणोदर रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं कर्णार्णवं गुणनिधे विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसङ्गं दशकरणीयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं गोकुलतिलकं राघवं रावणादि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय विद्महे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरतागज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरण राम राम श्रीराम चरणो मनसा स्मरामि श्रीराम चरणो वसा गृणामि श्रीराम चरणो शिरसा नमामि श्रीराम चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु ज्ञानेन जाने नैव जाने न जाने